हो गई और डीन साहब अभी तक नहीं आए। मीटिंग का समय था 11 बजे और अब 12 बज रहे हैं। एंड वेयर इज आवर डीन प्रोफेसर साहनी, नॉट टू बी सीन। एंड वेयर इज माय सेक्रेटरी मिस न्यूसेंस, मिस न्यूसेंस, मिस न्यूसेंस। जरूर कहीं मेकअप कर रही होगी, जब देखो मेकअप ही मेकअप, मेकअप ही मेकअप, इवन फॉरगॉट टू टेक नोट्स। हेलो वर्षा, वर्षा दस्तकार आंध्र में ऐसा सेल चल रहा है, पूरे 50% ऑफ। मैं वही गई थी, वही से आ रही हूँ। यू नो आई एम प्लानिंग टू गो दिस आफ्टरनून, यू वांट टू कम? ये कोई वक्त है आने का? मीटिंग का टाइम था 11 बजे, अब 12 बज रहे हैं। और इतना मेकअप मत कीजिए प्लीज, डोंट डू सो मच मेकअप, दिस इज डायरेक्टर्स ऑफिस। और डीन को देखा है आपने? डीन, डीन सर, सर वो हमेशा लेट आते हैं। डीन हमेशा लेट आते हैं। हेलो संदीप ढोकलेकर, हाँ वो डीन साहब को देखा है? प्रोफेसर सानी को देखा आपने? नहीं देखा। और साव कहाँ है? और लीव आधा यार, ठीक, डीन इज नोवेयर टू बी फाउंड, एंड साव के लगे हैं और लीव। हाउ कैन वन रन दिस प्लेस? हेलो हेलो, नो नो, दिस इज नॉट सामक, दिस इज सोमक। सामक इज ऑफ हेलो, नो नो नॉट सामक, सोमक, सोमक, एस ओ एम ए के, हाँ सोमक। व्हाट, आई एम ए सेक्रेटरी? नॉनसेंस, ही इज माय सेक्रेटरी। व्हाट डिड ही टेल यू? नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। लगता है सामक है सोल्ड एवरीबॉडी, ही इज डायरेक्टर, आई एम ए सेक्रेटरी। हां दैट, इस बंदे को आने को दो, मैं उसको सस्पेंड करवा दूंगा यार। नो नो नॉट सामक, सोमक, सोमक। हु सर, I promise you, the very first star we observe will be called UGC 1 in your honor. कैसे नहीं है सर? खत्म हो गए सर? छोड़िए सर, हजार नहीं दीजिए, 100 करोड़ तो दे दीजिए सर। सर देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन लैब हमारी बिल्कुल ठप हो गई है सर, पैसों के कारण सर। उसका इंचार्ज बेचारा डिप्रेशन में यहाँ वहाँ घूम रहा है। और आईडीओ की स्थिति को आप जानते हैं सर, आई एम अफ्रेड दैट वन डे दैट बिल्डिंग इज गोइंग टू जस्ट कोलैप्स सर। क्या सर आपने सारे पैसे आईडीओ को प्रॉमिस कर दिए हैं सर? प्लीज ऐसे मत कीजिए सर, देन वी विल नॉट सी इवन 1% ऑफ इट सर। सर ठीक है सर, 100 मत दीजिए सर, 10 करोड़ 5 सर, 5 ठीक है, 5 ही मत दीजिए। थैंक यू सर। ओह गॉड, में पैसे खत्म, ऊपर से मेरे पर्सनल पैसे भी खत्म। एक 500 का नोट था वो भी अब बेकार। चलो बैंक को फोन लगाता हूँ। हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ डायरेक्टर, क्या क्या बैंक बंद है? क्यों, पैसे खत्म हो गए? हद है। अच्छा ठीक है सुनो, थोड़े 100-100 के नोट होंगे तो पहुँचा देना है। 100-100 के नोट खत्म, अच्छा ठीक है, एक 10 का बंडल होगा ना। क्या सिंधी और बोल स्वामी, दिवाली कार्ड पार्टी वो भी खत्म, हद है। 10 का बंडल डीन साहब, कब कब कभी ना कभी तो वक्त पे आइए। आई वॉज कमिंग and then in the middle, I just realized that in my paper, GNU new might not be equal to PNU. So I had to go back to my office and redo some calculations. I got a little late. But why are you so hung up about hours and minutes, man?
than I know, in cosmology, things are measured in billions of years. The universe is so many billions of years old. I mean, the Earth is 5 billion years old. The mountains are 100 million years old. You are thinking of hours, minutes. Okay, Veer Sahab, you are right, you are right. But UGC worries about minutes and seconds also. Or agar hamari APC minutes approved na hui, then we will have no money. Then we will do this. Dean Saab, try to be more serious. We are in a very serious financial crisis here. Agar paisa nahi mila, toh humara IGO telescope ka kya hoga? Dekho, I have a theory. Right? I care too much about all this telescope observation. What will you observe anyway? You look through a telescope, you find another planet. They will have the same problem as ours. Right? It will be terrible, climate change, global warming. Why go into all that trouble? Sir, I didn't know you were such a pessimist. Now you are dean, you should be more optimistic. That's what I'm saying. Then you drop karo, observations karo. Sara paisa aajkal, I mean, sara maza aajkal observations mein. You know what I mean? Wife ke saath bada Europe ka chakkar maar lena hai. तुम क्या पूरी जिंदगी जीमिन्यू टीमिन्यू करते रहोगे सर तो सर है? सर बिग पॉलिंग सर ये कौन क्या ये इंटरनल फिलर सर सर इंटरनल फिलर वो सर कैंटीन के बिल्लियां केवल खा गए सर क्या कैंटीन में बिल्ली टेबल खा गई वही भूखी बिल्ली होगी जो पूरा टेबल खा गई सर केबल ही केबल केबल कंप्यूटर सिस्टम का केबल और सारा मैम बोल रही है सी रिजन फ्रॉम हर पोस्ट एससीसीएल अनिता क्या सर टेक केयर ऑफ सर प्लीज डू समथिंग सर इसकी बिल्ली थी जो केबल खा गई सर आप ही तो बिल्ली कौन सर आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ माय पेट्स आई फीड देम वेरी रेगुलरली सर तो फिर पूछ लो डेट की सर जो उनके सर इतनी बिल्ली है किस किस को खाना खाया सर ठीक है डोंट वरी अबाउट इट सो मच नाउ गो एवरीबॉडी इज हियर वी कैन स्टार्ट द स्टाफ मीटिंग कम कम प्लीज डीन साहब वेलकम इंस्टीट्यूशन लेट्स स्टार्ट So first of all, I'd like to welcome you all to this long-awaited staff meeting. Staff meeting is always a great pleasure. You people, you know, get to say what you want to say. But first of all, I would like to congratulate the students on this very wonderful drama they did on Ramayana. How nice, how contemporary. It was really wonderful. Sir, but we faced a small problem. What was that? Sir, actually initially we wanted to do a drama based on the Mahabharata. Very good idea. However, when we submitted our script for screening, it got rejected. Submitted to whom? To your office, sir. My office? Yes, sir. And so, please script me later, Mr. Sir. Sir, it got a very sensitive issue. So, I sent it to the ministry. And the ministry has looked through it. And they showed it to the Ministry of Human Rights, then Labour Commission and some other ministries. And this is their reply, sir. They are not approving of it very much. Oh, मैं देखता हूँ मजा क्या है अभी? Ministry से आई है. भाई देखो ministry तो बिल्कुल ठीक ही कह रही है. तो script में गलतियाँ हैं. देखो जी एक बार. दो families हैं कौरव पांडव. 100 people कौरव, 5 people पांडव हैं. आपने family planning का सोचा है कभी? क्या क्या है family planning? Upper bound 3. And ministry says there should be only 3 Kaurav, 1 Pandav. अच्छा ये देखो, धृतराष्ट्र, आपने इस बुरे कैरेक्टर को ब्लाइंड करके बैटलफील्ड में भेज दिया. ये तो, you know, Commission for Physically Challenged has taken grave notice of this. You cannot send blind man to battlefield. Restore eyesight to Mr. धृतराष्ट्र. अच्छा, Pandav and Kaurav was a gambler. देखो, this will show wrong eye to our young people. They cannot be shown as gambling. ऐसे करो, दो क्रिकेट टीम बना दो. जो जीता, वो ले गया अपनी एम्पायर. Like that. अच्छा एक और भी है कि पांडव are showing us working in the King Virat's employment without receiving salary. ये तो bonded labour हो गया. Labour Commission has disapproved of this point. देखो भी आप graduate student हो, scholarship के बिना काम करोगे? नहीं करोगे ना? तो इनको बिल्कुल सारे के सारे पांडवों को पैसे रीइंबर्स करो. मिस्टर ससरबुद्दीन नोट रीइंबर्स होना चाहिए. अच्छा मिस्टर अभिमन्यु, 16 साल के बच्चे को आपने बैटल फील्ड में भेज दिया, मरवा दिया बच्चे को. हैं, आपने कभी सोचा चाइल्ड लेबर लॉस कैसे हैं गवर्नमेंट में? हैं,
अभिमन्यु की एज होनी चाहिए 45 years. ओके ठीक है, ये बदलो फिर हैं, बदल के गिव मी अगेन आई पास इट टू द ओके वेरी गुड. अच्छा अगला पॉइंट क्या था? सर नेक्स्ट एजेंडा इज कैंटीन. कैंटीन देखो, यू आर बिटरली कंप्लेनिंग अबाउट कैंटीन. स्टूडेंट्स पोस्ट डॉक्स हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये इसलिए चावल सड़े हुए हैं, हमने कैंटीन बदल, मैनेजमेंट अब नहीं है, हैं? तो आई होप यू आर हैप्पी. सर दिस न्यू कैंटीन इज नॉट बैड, बट आई थिंक सम ऑफ द आइटम्स इन द ओल्ड कैंटीन वर फार बेटर. वो क्या सर? उनकी दाल क्या तड़का था सर. एंड द पापड़ वाज गुड टू सर. पापड़ वाज गुड टू. पीपल आर नेवर हैप्पी, दे आर नेवर सैटिस्फाइड. मिस न्यूसेंस प्लीज टेक डाउन दिस नोट फ्रॉम मी टू कैंटीन, आई मीन मी टू स्टूडेंट्स. यू हैव बीन कंप्लेनिंग टू मच अबाउट कैंटीन because of which your personality has grown very mean. Your grievances I will lay to rest by putting your cooking skills to test. Mr. Suman Bala will fry the eggs while Niradri Paul will bake the bread. Mr. Goswami will be the judge of what you know and what you fudge. If your dal is not theoretically sound and your papad is not perfectly round, your scholarship will never be found. खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहती हूँ सर. मैंने इंस्पायर की एक सॉन्ग लिखा है, आप कहें तो गा दूं. जाने वो कैसे लोग हैं जिनको इंस्पायर अवार्ड मिला. हमने तो जब पेपर लिखा विजय शंकर हाथ मिला. जाने वो कैसे लोग हैं जिनको इंस्पायर अवार्ड मिला. मुझे लगा है हमारे यहाँ सूरज थोड़े डिमोरलाइज.
रिवाइज हो रहे हैं पोस्ट ऑफ खास तौर पे हैं, थोड़ा इनको थोड़ा पेप टॉक दे दो. Look, I understand that some of these postdocs may have some problems. But look, we have to realize that the government is now being very generous in giving all these fellowships. And as a result, we are now seeing a lot of the students are choosing to stay in India instead of going abroad. So now, more and more PhD theses are being done in India. And so this Make in India slogan is not just because of technology, it is also applicable to our pure science, pure research, all in India, right? So you have to think, both students and postdocs, that we have this slogan, Make in India, Made in India, Be in India. Huh? You have to be patriotic, you have to say Make in India. Huh? Hello? Our director's office? Oh, who is this? Bhigu, beta Bhigu. How are you, my son? How's New York? Hey! Very good, isn't it? Ah, it is snowing very heavily. Very cold, na? Ah, kya tum udaas ho? Kyun? You're feeling sad since you're coming back. No. Look, you have to think about your career, boy. Yes. See, so many opportunities. You've got your H-1B visa now. The country is going to the dogs. Yes. Look at the dollar rupee exchange rate now. Huh? Huh? You're much better off there. Huh? Look. There's Amit Duranga. There's Anirudh Kimbabi. They're all settled there very nicely. And sad. And you should also try to be settled. And if you have a problem, Rohini and I will come and visit you. So I'll talk to you again at night. Okay, I'm going to have a meeting. I'll call you later, okay? Take care, boy. Take care. Bye. Good night. So what was I saying? Yes. So all the students should now think of staying in India and with all these new big scholarships, make your career in India. Make in India. That is what you have to think. We must practice what we preach. Sir, I think we are wasting our time discussing all these silly matters. While the real problem facing our institution has not even been raised, sir. Cats! Yes! This cat problem has multiplied exponentially. And now, all of us are facing a huge catastrophe. That is correct, sir. Ye billiyan raat bhar hamara gardi karti rehti hain aur hame sone nahi deti. Upar se sir, ye abhi to office block mein bhi aane lage. Aur canteen mein bhi sir. Just the other day I saw a cat sitting on the canteen table. Just think sir, how unhygienic sir. Badi bhookhi billi hogi jo canteen mein pahunch gayi. Kiski billi thi? ये तो हमें मालूम नहीं है सर, लेकिन सुना है कोई फैकल्टी मेंबर ने 20-20 बिल्लियां पाल रखी हैं। अब किस किस को जाके खिलाए? स्वागत, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू नो आई कैन फील व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. द सेम इज द केस वेयर आई लिव आल्सो. वेयर एवर आई सी कैट्स रोमिंग एवरीवेयर ईटिंग माय फूड फ्रॉम द किचन. You know, my pots are all being broken because of these cats. The worst thing which happens is shitting in my garden each and every day. You know, the smell, I can't even imagine, you know, I can't even describe it. It's so very unbearable. I'm also sick of the sound it makes at night. Meow, meow, that starts at 5 in the morning. It's so very annoying. Come to think of it, you know, ever since you moved in, I can't even sleep. Director Saab, do something about it. I am fed up. Sarah, can't you think of anything else but cats? You keep complaining of cats. So I am the, you know, person being affected every day. Huh? You are the only one? Yes. So many cat lovers in the colony. Stop complaining. The cats are such helpless and such lovely animals. I just love our pet cats. And to
a good photo like that. Nonsense. Just let me finish my word. Okay? Let me continue. The next is that I've heard that the UGC has cut all its fund to this institute. So, Sarah, you must be grateful to all the money that the institute is saving because of our cats. Come on, Kakoli. It's all nonsense. If I ever see your cat in my garden, you had it. Even you. Yes. I want to say something about Sir, universe ka sabse behtareen pyara aur pavitra animal hai kutta. Kutta. Kaise humko pyar aur darling milta hai sir? Kya kya? Kutte se humko sirf pyar hi pyar milta hai sir. Aur kuch nahi. मेरे सब कुत्ते सर पॉटी ट्रेंड है पॉटी ट्रेंड है यस सर और पहले भी पॉटी ट्रेंड है यस सर और वो कभी किसी को परेशान भी नहीं करते अगर आप मुझे एक चांस दे दें तो मैं सारी बिल्लियों को पॉटी ट्रेंड करा सकता हूँ एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम सर एंड कैट इज अ वेरी यूजलेस एनिमल अबव ऑल कैट्स कैन नेवर बी पॉटी ट्रेंड Dog is much better animal. No! मुझे तो बस में घुसने नहीं देंगे और आयुका के किसी और पोस्ट डॉक को भी घुसने नहीं देंगे पीएचडी स्कॉलर को भी घुसने नहीं देंगे बट सर वो डॉक्टर गुप्ता है ना नीरज गुप्ता सर वो नीरज गुप्ता यस सर वो एनसीआर के फॉर्मर स्टूडेंट है उनको एनसीआर में सब लोग जानते हैं और सब लोग पहचानते हैं अगर वो हमारे स्टूडेंट्स को बस में घुसा दें तो हम बस को आसानी से हाईजैक कर सकते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल फायदा हम लोग
दाऊद भाई के वफादार सिपाही हैं। भाई कराची में मौजूद है और हम यहाँ हिंदुस्तान में उनके हुक्म की तामील कर रहे हैं। अल फायदा फतेह। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, आपकी खैरियत से हम सही सलामत आयुका पहुंच गए। कहें तो यहाँ सबको उड़ा दें। जी आप ठीक कह रहे हैं, पहले थोड़ी निगोशिएशन कर लें, फिर आगे देखी जाएगी। खुदा हाफिज भाई। भाई कह रहे हैं पहले आपसे थोड़ी निगोशिएशन कर लें, तो कहिए कितने करोड़ रुपए आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देने वाले हैं? अबे नेगोशिएशन, कौन सी नेगोशिएशन, कैसी नेगोशिएशन? आप अनइनवाइटेड हमारे यहाँ आ जाएं और ऊपर से पैसे मांगे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, हम समझाते हैं। गवर्नमेंट की नोटबंदी पॉलिसी से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा नुकसान हुआ है। हम आपसे पैसे लेने आए हैं, खलीफत को बनाने में ये पैसा बहुत काम आएगा। अरे भाई देखो, अगर आपको पैसे चाहिए हैं तो आप यूजीसी को लिखो, प्रपोजल बना के लिखो, हैं? और लोग लगते हैं अप्रूव हो गया, प्रपोजल तो पैसे मिल जाएंगे। बेवकूफ, हम यहाँ हाथ फैलाकर भीख मांगने नहीं आए, बल्कि तुम्हारा पैसा चीन में आए हैं। इसमें हमारा फायदा है, अल फायदा, अल फायदा। अगर हमारी बातें मानोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, जान बच जाएगी। अपना सारा पैसा हमें ट्रांसफर कर दो, नहीं तो यहाँ सबको उड़ा देंगे। वही, लेकिन सुनो, हमारे यहाँ स्थिति बहुत कमजोर है, फाइनेंशियल स्थिति, पैसे खुद के पास कम है, हम आपको कहाँ से दे दें? आपने मुझे इडियट समझ रखा है। हम वर्षों से आपके इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, हमें मालूम है टीएमटी के सिलसिले में आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तकरीबन 1000 करोड़, 1000 करोड़। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि आयुका के अंदर ही अंदर हमारे जासूस घुसे हुए हैं, जो हमें अंदर की सारी बातें बता देते हैं। इनका काम है जासूसी और सैबोटाज। मुझे तो कोई यहाँ जासूस और सैबोटाज नजर नहीं आ रहा। ऑल आवर फैकल्टी मेंबर्स आर वेरी ईमानदार और लाइक पीपल हैं। देखो आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर रंजन गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता, ये हमारी फैसिलिटीज के इंचार्ज हैं, ये हमारे हीरे हैं, हीरे। ये आपके हीरे नहीं बल्कि हमारे हीरे हैं। इस्लाम गुटका और रसगुल्ला इस्लाम गुटका। यकीन नहीं होगा लेकिन असल में दोनों भाई हैं। जब ये दोनों हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने आए थे तो ये लोग गुटका डीलर्स थे। They were expert in converting black money into white. तो हमने कहा भाई थोड़ी मदद हमारी भी कर दो, थोड़ा पैसा हमारा भी कन्वर्ट कर दो। और रसगुल्ला भाई, रसगुल्ला भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेड हैं। आप नहीं जानते सीएसटी और सीएसआर से ये हमारे लिए कितने पैसे खींच कर लाए हैं और इनकी फॉरेन ट्रिप्स। आप सोचते होंगे कि ये यूएसए और जर्मनी जाते हैं, नहीं नहीं, ये सीधे इराक और सीरिया जाते हैं खलीफत की मदद करने। शाबाश रसगुल्ला, शाबाश। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लायक और वफादार सिपाही हैं। और हमारे नसीर भाई, इनकी स्पेशलिटी है इंटरनेशनल सैबोटाज। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने आपके आईजीओ टेलीस्कोप को ठप करवा दिया और आप सब देखते ही रह गए। Did you ever think that it was an inside job
ऐसी तो इनकी हाथ की सफाई है। मुबारक हो नसीब, मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। अल-कायदा अल-कायदा अल-कायदा। गद्दार, मैं तेरी प्रमोशन रुकवा दूंगा। तुम लोग मुझे नहीं जानते। जानना क्या है, आपका तो जीना ही मुश्किल होने वाला है। अगर हमारी बातें मानी तो आईजीओ को रिस्टार्ट करवा देंगे, नहीं मानी तो यहाँ सबको उड़ा देंगे। अभी फोन उठाओ और बैंक से कहो कि टीएमटी का सारा पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर हो जाए फौरन। खामोश हो जाइए, शायद आप नहीं जानते टीएमटी के हालात बहुत नाजुक है इस वक्त, इसे शायद कैंसिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टीएमटी इज बीइंग प्लान्ड ऑन अ होली माउंटेन और लोग इसके साथ खिलाफ हैं। तो ये बात है, बिल्कुल सही। होली माउंटेन पे तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो फॉरेन फंड्स की सख्त जरूरत है। मुझे जरा सोचने दो, और जब तक मैं सोच रहा हूँ, कुंड में जो जो पुतले हैं उन सब को उड़ा दो। ये सब मूर्ति पूजा हमसे टॉलरेट नहीं होगी। खत्म। आइंस्टाइन खत्म। न्यूटन गैलीलियो भी खत्म। सब उड़ा दिया। बहुत बुरा किया आपने। चलो जब तक लीडर साहब सोच विचार करते हैं, यहाँ ढूंढे क्या कोई काम का आदमी है इधर, तो बताओ क्या कोई है इधर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होगा, हमारे टेररिस्ट आइडियल्स को आगे बढ़ा सकता है कोई? यहाँ हुजूर, मैं। तुम? मैं हुजूर। यहाँ आगे आके बताओ, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल क्यों होना चाहते हो? उधर क्या होगा ये? हुजूर, मैं कई सालों से एकेडमिक लाइन में सड़ रहा हूँ, पोस्ट ऑफ परमानेंट नौकरी का कोई नामो निशान नहीं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अल-फायदा में तन मन धन से काम करना चाहूंगा। और आप में ऐसी क्या काबिलियत है जो हमारे काम आएगी? हुजूर, मैं लाइवो टीम का मेंबर हूँ, ऊपर से कंप्यूटर सेंटर में मेरी नौकरी है और कंप्यूटर सिक्योरिटी और कोडिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ। जैसे ही कोई पैसा आयुका के अकाउंट में आएगा, मैं फौरन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। वाह जी वाह, ये तो हमें एक और हीरा मिल गया। आजा बच्चे आजा, गले मिल। वेलकम बच्चे, वेलकम वेलकम टू अल-फायदा। रेस्टोरेंट में से पीकर वापस आ रहे हैं। एंड व्हाट बैड टाइमिंग, आवर इंस्टीट्यूशन इज गोइंग थ्रू सच अ ग्रेव क्राइसिस और इन नालायकों ने ये मौका ढूंढा पीने का। इधर हमसे भी शेयर करो, इतनी खुशी क्यों? सर जी, हाँ, आज ही मित्रा जी के अकाउंट में लाइव ओवर का पैसा आया है। उसी को सेलिब्रेट करने हम लोग शादी चले गए थे। झूम झूम के नाचो, गाओ गाओ खुशी के गीत, आज लगो रावण मिला है आज हमारी जीत। अवार्ड? कौन सा अवार्ड, कैसा अवार्ड? हुजूर, शायद आप नहीं जानते, ये जो लाइवो टीम है उसको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और उसका बहुत सारा पैसा सीधे
इस संजीत मित्रा के अकाउंट में आया है। ये हो रही है पार्टी पार्टी। वाह जी वाह। और एक काम की बात सुनिए। बोलो। लाइगो इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे 1000 करोड़ देने का वादा किया है। 1000 करोड़? जी हुजूर। वाह 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 जी वाह, क्या खुशखबरी दी है तुमने मुझे। शुक्रिया। जो पैसा मैं टीएमटी से खींचने वाला था, अब लाइगो इंडिया से खींचूंगा। हमारा फायदा ही फायदा। लॉन्ग लिव अल्बानिया। इराक और सीरिया की खलीफत बनाने में पैसा बहुत काम आएगा। गिरफ्तार कर लो इसे। जी हुजूर। इसे हम हॉस्टेज बनाकर रखेंगे। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो बड़े शोर से इसे उड़ा देंगे। प्लीज डोंट मेक मी हॉस्टेज, मेक मी हॉस्टेज इंस्टेड। ही इज अ यंग मैन, ही हैज अ होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम, सो लीव हिम असाइड एंड मेक मी हॉस्टेज। ये बंदा कौन है जो हमारे फ्रेंड्स में दखल दे रहा है? जरा गौर से देखिए, शायद आप भी इन्हें पहचाने नहीं। ये है प्रोफेसर जयंत नार्लिकर, जिस इंस्टीट्यूट पे आप कब्जा करने आए हैं, कई साल पहले इन्होंने ही शुरू किया था। जरा मैं दाऊद भाई से बात करूं। जी दाऊद भाई, यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी हमारे प्लान्स में इंटरफेयर कर रहा है। कोई जयंत नार्लिकर, रुकमो तो इसे भी उड़ा दे। वो जयंत नार्लिकर हैं इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर। मैं नहीं जानता था। कई वर्ष पहले जब मैं मुंबई में रहता था तो छुपे छुपे डीआरएफआर जाके इनके पॉपुलर लेक्चर सुनता था। तभी मैं समझा कि इनकी स्टडी से थ्योरी हमारी आइडियोलॉजी में बिल्कुल फिट आती है। वो क्यों भाई? क्योंकि एक बैंक में खुदा के लिए कोई भी जगह नहीं रखी। If the whole universe came into being suddenly, then that means that God was also created suddenly, जो हमारे मजहब के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे मजहब के मुताबिक God exists eternally in his universe, और steady state theory में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए मैं बिग बैंक के एकदम खिलाफ हूँ। बकवास है यह theory, बिल्कुल बकवास। बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में जो भी बिग बैंग पर काम कर रहा हो उसे फौरन उड़ा दिया जाए। Let's get rid of these bloody big bangers now. Don't mind. उड़ा दो इन्हें, उड़ा दो पद्मनाभन, सानी, सौरदीप और शियानंद को, उड़ा दो सब काफिरों को। हुजूर, ये रहा शियानंद, ये रहा सानी, और ये रहा सौरदीप। अबे उड़, तेरे वक्त आ गया है। आप बस इन्हें कुछ चंद दिनों की मोहलत दे, आप देखिए ये स्टडी सेट पर भी काम करेंगे। जो आदमी डैम ब्लाइमन अल्फा पर काम करता हो उसे फौरन उड़ा देना चाहिए। डैम चीजों पर काम करना मजहब के खिलाफ है। नहीं हुजूर, ये डैम नहीं, डैम ब्लाइमन अल्फा पर काम करते हैं। डैम ब्लाइमन अल्फा। ठीक है ठीक है, अपने वफादार सिपाही की गुजारिश हम क्यों ना माने, लेकिन उन बाकी बिग बैंगर्स को मत छोड़ना, सबको उड़ा देना। उनकी फिक्र ना करें हुजूर, उनको मैं अपने हाथों से मारूंगा, और वो भी खुशी खुशी। नहीं नहीं नीरज भाई, आपके आपके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन बिग बैंगर्स को माफ करें, और उनको मैं बचाना चाहता हूँ। मैं अपने हाथों उनको समझा कर सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। क्या इन्हें भी छोड़ दें? क्यों, कैसे? ओह,
मन तो नहीं करता, लेकिन दाऊद भाई आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है ठीक है, जैसी आपकी ख्वाहिश, छोड़ दो इन्हें। छी, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। लेकिन अगर हमने सबको छोड़ दिया तो हमारा पैसा कहां से आएगा? हुजूर, अगर ऐसी बात है तो इसकी चिंता ना करें। एक सलाह देता हूं आपको। क्या? ये जो इंस्टीट्यूट है ना सड़क के पास, एनसीआरए, इस इंस्टीट्यूट आयुका की उससे बहुत पुरानी दुश्मनी है। बस कर दे इसी मसले में थोड़ी सी मदद। अगर जरा सी भी मदद कर दी आपने तो ये आयुका वाले आपके पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहेंगे। और सोचिए आपका कितना होगा फायदा। अब इनकी कैसी मदद, कौन सी मदद? हुजूर, वो जो इंस्टीट्यूट है एनसीआरए, उसकी एक बड़ी छोटी सी बस है और ये आयुका वाले कई सालों से उसको उड़ाना चाहते हैं। एक छोटी सी बस अभी तक नहीं उड़ा पाए। तो बस कर दीजिए इसमें थोड़ी सी मदद, उड़ा दीजिए वो बस। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं फौरन बारूद भिजवाता हूँ। ये काम हम मिलकर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हें टैंक भी पहुंचा देता हूँ जिससे तुम उनकी सड़क रोक सको। हुजूर, अगर ऐसी बात है तो एक सलाह और देता हूँ, बड़े मजे की और काम की भी। वो जो इंस्टीट्यूट है एनसीआरए, वहां पर भी एक हमारा अपना भाई है। कौन? डॉक्टर यशवंत गुट्टा। इसने अभी अभी रसगुल्ला भाई जो वहां बैठे हैं, सलाम अलैकुम, और मुझे एसएमएस किया है। क्या एसएमएस? ये एनसीआरए को मिला है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एसकेए। एसके? हाँ, एसकेए यानी स्क्वायर किलोमीटर अरे। और काम की बात सुनिए, इस प्रोजेक्ट का सारा पैसा होगा डॉलर्स में। डॉलर्स में? जी हुजूर, डॉलर्स में। और सोचिए अगर आपका कब्जा हो एनसीआरए पे तो ये सारा पैसा मिलेगा किसको? किसको? अलफायदा को। वाह जी वाह, क्या खुशखबरी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आइडिया नसीर, बहुत अच्छा आइडिया। और इसके साथ हम उनके सभी स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक्स को बॉन्डेड लेबर बना देंगे। इससे हमारी टेररिस्ट आर्मी और बढ़ जाएगी और फायदा का बहुत फायदा होगा। हुजूर, मैंने तो एनसीआरए टीएफआर का नया नाम भी सोच लिया है। क्या? उसका नाम होगा नेशनल सेंटर फॉर रेवोल्यूशनरी एंड आर्म टेकओवर ऑफ इंडियन फेडरल रिपब्लिक। और उस पे हो हमारा कब्जा तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा आपको पता है? डीईई को। डीईई? और डीईई तो आप जानते ही हैं, दाऊद ईगल एम्पायर। तो चलो भाई चलो, एनसीआरए पर हमला करते हैं। चलो चलो।